जय। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो सेफ मोड ऑन करना कैसे ऑन करेंगे विदाउट किसी की के। यदि आपका की ना काम करता हो, मान लीजिए या फेट से जो है विंडोज 10 को सेफ मोड में ले जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो विंडोज या विंडोज की के लिए सेट किया गया या फेट को वो नहीं काम करता है, तो उसके जगह पे जो हम के सेफ मोड में कैसे जाएंगे वो भी बिना किसी की प्रेस किए। तो उसके लिए हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करिएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था यदि वो भी आप में न काम करे तो ये ट्रिक आप अजमाएं। इस ट्रिक से भी आप जो है विंडोज के सेफ मोड में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको जो है आपका रन कमांड ऑन करना है, तो विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना है। आर प्रेस करेंगे आपको रन कमांड आ जाएगा। उसके बाद से आपको सर्च करना है एमएस कॉन्फिग। एमएस कॉन्फिग सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एमएस कॉन्फिग लिखेंगे आपके सामने देखेंगे ऐसा एक विंडोज खुल के आ जाएगा सिस्टम कॉन्फिगरेशन का। और यहाँ पर आपको देखेंगे जनरल, उसके बाद से बूट, यहाँ पर सर्विस, स्टार्टअप और टूल्स मिल जाएगा। तो आपको जो है सिंपली बूट वाले ऑप्शन में आ जाना है। बूट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव बूट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको इसको अप्लाई कर देना है और आपको ओके कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक मैसेज आ गया रिस्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर दिया एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट, बट आपको रिस्टार्ट, आपको सेफ मोड में जाना है तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रिस्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम को। जैसे ही आपके रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सिस्टम आपका रिस्टार्ट होने लगेगा। उसके बाद से जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगा या सिस्टम आपको ऑटोमेटिक जो है आपका यहाँ पर, इसके बाद से आपको कोई की भी प्रेस नहीं करनी होगी, ये आपका ऑटोमेटिक जो है सेफ मोड में आपका जो सिस्टम ऑन होगा। यहाँ पर आप देखते रहिए वीडियो में। तब तक के लिए हम बता दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो सेफ मोड है इसको हम बंद करना भी बताएंगे, क्योंकि ये जो हमने इनेबल किया है सेफ मोड, ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। ये बा ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, और जब भी आप सिस्टम को ऑन करेंगे सेफ मोड से एग्जिट होना चाहेंगे तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम सेफ मोड में आ गए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखेंगे चारों कॉर्नर पर सेफ मोड लिखा होता है, यहाँ पर सेफ मोड लिखा हुआ है और हम सेफ मोड में आ चुके हैं। तो चलिए हम इसको बंद करना भी बता दें। जैसे हमने ऑन किया था सेम उसी प्रक्रिया के थ्रू हम इसको बंद भी करेंगे। तो उसके लिए भी हमको विंडो की के साथ आर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है एमएस कॉन्फिग। एमएस कॉन्फिग लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके सामने फिर से वही सिस्टम कॉन्फिगरेशन टूल आ जाएगा और यहाँ पर बूट का ऑप्शन आपको मिलेगा। और बूट का ऑप्शन में यहाँ पर सेफ बूट जो हमने ऑन किया था इनेबल, इसको डिसेबल कर देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो जो है आपका सिस्टम जो है सेफ मोड से एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आपको देखेंगे फिर से सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर आपको दोहरा दी जाएगी। रिस्टार्ट जैसे ही करेंगे आप सेफ मोड से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।